तो गाइज़ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो वीडियो का टाइटल थंबनेल लिख के तो आप लोग समझ गए होंगे ये कौन सा वीडियो है। ये इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेकआउट एंड फेकआउट। बहुत लोग ब्रेकआउट और फेकआउट जज नहीं कर पाते कौन सी क्या है, तो बहुत लोग उनका पैसा ट्रैप हो जाता है। अपने एक स्टॉक को नोटिस किया, हाँ ये एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, अभी एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल विद वॉल्यूम बिल्डअप दिखाया इसने, उसके बाद ऊपर चला गया और अब जैसे ही एंटर किए उसके बाद एक या दो मिनट के बाद या तो फिर एक या दो दिन के बाद स्टॉक नीचे गिरने लगा, आपको लॉस बुकिंग करना पड़ा, इतना नीचे गिर गया स्टॉक। तो इसे कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पता लगा कि कौन सी ब्रेकआउट है कौन सी फेकआउट है, क्या मैं सही बता रहा हूँ, ये मैं कैसे जानूँ। तो एक पहले ही बात बता देता हूँ, अगर ये वीडियो लंबा हुआ तो माइंड मत करना, क्योंकि मेरा कौन सा भी मतलब कोई भी वीडियो मेरा उठा लो, कोई भी वीडियो मेरा स्क्रिप्टेड नहीं रहता है। तो ये जो है ना हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा हुआ होता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, जो मैं बोलना चाहता हूँ वही मैं बोलता हूँ, चाहे कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो मतलब पूरा दिल से बोल रहा हूँ मैं। इसलिए अगर बड़ा हो जाए लंबा हो जाए तो माइंड मत करना, लेकिन ये भी मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग 10 ट्रेड लो, 10 ब्रेकआउट में ट्रेड करो तो 10 में से 10 स्टॉक ही आप लोग सही जज कर पाओ, क्योंकि मैं भी नहीं कर पाता हूँ, कोई भी दुनिया का कोई भी ट्रेडर नहीं कर पाता है 10 में से 10 स्टॉक ही। वो लोग बोल देगा कि हाँ ये 10 में से ये वाला फेकआउट है ये वाला ब्रेकआउट है, 10 का 10 एकदम एक्यूरेट होगा, 100% एक्यूरेसी किसी के नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट में 100% कोई नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है, कुछ भी 100% नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में अगर 20% चांसेस भी है ना तो वो भी बहुत बड़ी चांस निकल के आता है स्टॉक मार्केट में, लेकिन 100% नाम की कोई चीज़ नहीं होती है स्टॉक मार्केट में। हाँ कि गारंटी है ये मेथड से आप लोग 100% टाइम्स आप लोग जितना बार आप लोग देखोगे उतना बार ही आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे कि ये ब्रेकआउट है या फेकआउट है। अगर आप लोग इस टेंडेंसी से या तो फिर इस इंटेंशन से आए हो कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग एकदम प्रो बन जाओगे 10 में से 10 स्टॉक या तो भी 100% एक्यूरेसी हो जाएगा आप लोगों को, तो आप लोग क्विट करके जा सकते हो, वो नहीं होगा। ये सिर्फ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एटलीस्ट अगर आप लोग 10 में से 5 या 6 स्टॉक या तो फिर 3 स्टॉक एटलीस्ट 2 स्टॉक अगर आइडेंटिफाई कर पाओ तो आप लोगों का ही प्रॉफिट होगा, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज नहीं बनाता मैं वीडियो। तो चलिए गाइस एकदम डिटेल में बात करते हैं कि क्या निकल के आता है, कैसे आप लोग देखोगे वो सब आप लोगों को दिखाऊंगा। चलिए एक बार डिटेल में बात करते हैं एकदम। तो जो फर्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है वो निकल के आता है कीप एन आई फॉर पुल बैक। कोई भी ब्रेकआउट पहले ही ये टेक्निक सीखने के बाद या तो फिर मेरा जो खुद का रिसर्च मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग ये टेक्निक यूज़ करते हैं, फिर भी मैं जो खुद पॉइंट्स फॉलो करता हूँ ये पहले, हाँ आज वीडियो देखा कल कोई स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ तो उनमें जाके ये देख के पैसा लगा दिया, मत करना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो चीज़ है ना वो एक्सपीरियंस से आता है, सब कुछ एक्सपीरियंस से आता है स्टॉक मार्केट में। अब मैंने पॉइंट्स बता भी दिया तो भी कहीं ना कहीं पे आप लोग मिस कर जाओगे, स्टॉक मार्केट में हर दिन नए नए चीज़ होता है तो कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर जाओगे। एटलीस्ट 5 स्टॉक उठाओ जिनमें ब्रेकआउट हुआ है, 5 में से अगर आप लोग 2 स्टॉक भी सही गेस कर पा रहे हो तो ही पैसा लगाना, पहले दिन ही कि हाँ आज वीडियो देखा कल जाके पैसा लगा दिया ब्रेकआउट पे, वो मत करना, पहले प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगर आप एटलीस्ट 5 में से 2 स्टॉक अगर आपने ठीक जज किया तो ही वीडियो स्टॉक में पैसा लगाना, सॉरी वीडियो में बोल दिया था स्टॉक में पैसा लगाना। तो अब मेन बात पे आते हैं, जो पहला पॉइंट निकल कर आता है वो निकल कर आता है कीप एन आई फॉर पुल बैक। जब मान लो एक कंपनी का ब्रेकआउट होता है, कंपनी ने बहुत ही एक टाइट रेंज या तो फिर कोई भी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है तो वेट फॉर द पुल बैक, कीप एन आई फॉर द पुल बैक। अब पूरा बिगिनर हो या तो फिर प्रो मुझसे भी ज़्यादा प्रो हो, उन लोगों को भी मतलब एक बार ध्यान में रखना पड़ता है कि हाँ ब्रेकआउट ये नहीं है कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने से पर्पस से जो ब्रेक ये वाला वीडियो देख रहे हो तो आप लोगों के लिए नहीं है, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, फिर भी आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। और जो मेन बात है आप लोगों को पूरा का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनी कभी नीचे ना आए, जब भी नीचे आएगी तब भी आप लोगों को एग्जिट कर जाना है स्टॉक में से। मान लो कि ये एक सेकेंड मैं यहाँ पे इरेज करके आप लोगों को एकदम फ्रेश एक आइडिया देता हूँ, ये स्टॉक एक इसी रेंज पे ट्रेड कर रहा है, ये जो दोनों लाइन है इसके बीच में ऊपर गया स्टॉक, हाँ आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया ब्रेकआउट कन्फर्मेशन के बाद,
ब्रेकआउट होने के बाद, कन्फर्मेशन तो मतलब बाद में आएगा, ब्रेकआउट होने के बाद ये आपने इंटर कर लिया यहाँ पे। तो आप लोगों को पूरा का पूरा ये जो आप ट्रेंड है ये हमेशा मॉनिटर करते रहना चाहिए। अगर हमेशा नहीं मतलब 24 आवर्स तो छोड़ दो, पूरा मार्केट टाइम मतलब जब जितना टाइम तक हर एवरी मिनट पे आप लोग अगर एवरी सेकेंड आप लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 5 या 10 मिनट बाद आप लोग देख लो, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है। अगर मान लो कि ये फेकआउट भी निकलता है तो भी आपके एंट्री पॉइंट से थोड़ा तो ऊपर जाएगा, तब आप लोग एक अगर ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म हुआ या तो फिर अगर आप लोग देखो जो मार्केट डेप्थ निकल के आता है मतलब जहाँ पे टोटल सेलिंग जो TSQ जो टोटल सेलिंग क्वांटिटी और टोटल बाइंग क्वांटिटी जहाँ पे दिखाती है, अगर वहाँ पे देखते हो जो सेलर्स का वॉल्यूम है वो ज़्यादा निकल के आ रहा है और अच्छा खासा रेड कैंडल भी फॉर्म होने को आया है छोटे मतलब 1 मिनट का जो चार्ट है, 3 मिनट्स का चार्ट है, ये सब चार्ट में अगर छोटा मोटा रेड कैंडल भी फॉर्म होने आया है तो आप लोग निकल लेना स्टॉक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हाँ ब्रेकआउट में पैसे लगा तो दिए लेकिन भूल गए कि पैसे मैंने लगाया था, जैसे कि जो 1 साल 2 साल के लिए जो लोग होल्ड करते हैं वो लोग करते हैं, पैसे लगा के भूल जाते हैं कि मैंने पैसे लगाया था, 2 साल बाद फिर से वो स्टॉक को देखते हैं पोर्टफोलियो में कि कैसा परफॉर्म कर रहा है, 2 साल बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए जाते हैं। ये ऐसा बिल्कुल भी मत करना। हाँ अपने जो जो पैरामीटर्स, ये तो मेन बात हो गई कि हर एक ब्रेकआउट के बाद ये करना है, तो सबसे सेफेस्ट प्रोसेस यही वाला रहेगा, सबसे सेफेस्ट प्रोसेस। अगर आप कोई भी ब्रेकआउट पे पैसा लगाते हो, अंधा पैसा लगाते हो मतलब कुछ भी पैरामीटर्स चेक नहीं करके, तो ये ज़रूर करना कि कई बार हर एक पैरामीटर्स चेक करने के बाद भी स्टॉक धोखा दे देती है, क्योंकि ऐसा ही कुछ न्यूज़ निकल के आ रहा होगा शायद, या तो फिर कुछ अदर हलचल हुई है स्टॉक में, कुछ अदर मूवमेंट हुई है, बड़े ऑपरेटर्स क्विट करके निकल गए, बहुत सारे फैक्टर्स निकल के आता है। जैसे कि टाटा को जो हुआ था, टाटा अपने ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा था तभी अच्छा खासा एक सैड न्यूज़ आया, उसके बाद स्टॉक नीचे गिरा तो दिखाया एकदम 360 से ऑलमोस्ट 285 की लेवल्स, कभी भी नीचे गिर सकती है। तो अगर आप लोग एक हमेशा एक बार ध्यान में रखोगे तो ज़्यादा मान लो कि प्रॉफिट भी नहीं होता, ज़्यादा लॉस होने से भी आप लोगों को अच्छे से बचा पाओगे, ज़्यादा लॉस भी नहीं होने दोगे आपका, ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा आप लोगों का, तो अच्छा खासा आप लोग बच सकते हो ज़्यादा लॉस या तो फिर थोड़े बहुत प्रॉफिट लेकर आप लोग एग्जिट कर सकते हो, इवन इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग ऑन ए फेक आउट विदाउट जजिंग द ब्रेक। अगर आपने फेक आउट, ये जो मैंने बोला उसका मतलब है जो अगर आपने अंधा पैसा लगा दिया कोई भी ब्रेकआउट पे विदाउट जजिंग, कि आपने जज नहीं करके कि वो फेक आउट है या ब्रेकआउट है, अगर आपने अंधा पैसा लगा दिया कोई भी एक ट्रेंड के टूटने पे, तो भी आप लोग सेफ रह सकते हो ये प्रोसेस को फॉलो करके। कीप एन आई फॉर द पुल बैक, और उसके बाद जो निकल के आता है द ब्रेकआउट कब कन्फर्म होगा, डोंट फॉल फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स फॉर CNC ट्रेड्स, मतलब डोंट फॉल फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स फॉल फॉर CNC ट्रेड्स। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में इरेज कर देता हूँ पूरा। डोंट फॉल फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट में मतलब आप लोग बहुत लोग समझ गए होंगे कि अगर ये जो मैंने बोला था एक मिनट तीन मिनट या पाँच मिनट के चार्ट देखने के लिए बोला था कि कब पुल बैक नीचे आए तब आप लोग एग्जिट कर जाना, वो देखने के लिए मैंने आप लोगों को बोला था। तो ये आप लोग जब ब्रेकआउट कन्फर्मेशन चाहिए, ये हो गया मेन जो ब्रेकआउट का पार्ट है कैसे जज करें, इस पार्ट में मैं घुस गया हूँ, ये एक नंबर पॉइंट तो निकल गया, ये 2 नंबर पॉइंट होगा कैसे ब्रेकआउट जज करें, इस पॉइंट में मैं घुस गया हूँ, कैसे सेफ प्ले करना है वो तो पहले वाला पॉइंट था। तो सेकंड वाला पॉइंट निकल गया था, आप लोगों को एटलीस्ट 10 मिनट्स 15 मिनट्स, अगर आप लोगों को 30 मिनट्स का कन्फर्मेशन मिलता है तो सबसे बेस्ट रहेगा इंट्राडे चार्ट में, और अगर आप लोगों को डेली कन्फर्मेशन मिलता है मतलब 1D के चार्ट में अगर ब्रेकआउट का कन्फर्मेशन मिलता है तो बेस्ट, जितना बड़ा टाइम पीरियड में आप लोगों को कन्फर्मेशन मिलेगा उतना बड़ा, मतलब ये नहीं कि 1 मंथ के टाइम पीरियड में देख लिए, वो बात छोड़ दो, एटलीस्ट 1D मतलब जैसे सबसे जो सेफेस्ट है वो है 1D के, मतलब छोटे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स में इन्वेस्ट ना करें। हाँ मान लो कि 1 मिनट के चार्ट में थोड़ा बहुत 1-2-3 ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गया तो वहाँ पर इन्वेस्ट ना करें, एटलीस्ट डेली चार्ट का जो कैंडल है उसमें थोड़ा फ़र्क आने दें उसके बाद ही इन्वेस्ट करें, या तो फिर अगर कोई मेजर चेंजेस आता है तो ही, तो फॉर बींग सेफ
बड़े टाइम पीरियड का कैंडल में ही आप लोग इन्वेस्ट करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। बड़े टाइम पीरियड के कैंडल में अगर ब्रेकआउट दिखता है तो ही इन्वेस्ट करें, शॉर्ट टर्म की ट्रैप में ना फंसे। ये तो हो गया जो सेकेंड पॉइंट निकल के आता है उसके बारे में। अब थर्ड पॉइंट क्या है इसका, एक सेकेंड इरेज करने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। थर्ड पॉइंट जो इसके बारे में निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है सर्च फॉर एनी काइंड ऑफ पैटर्न्स। जिन लोगों को पैटर्न नहीं पता उन लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं हर एक पैटर्न के बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊं। जिन लोगों को पैटर्न के बारे में नहीं पता कि हाँ ये पैटर्न ऐसे ब्रेकआउट देता है, ये पैटर्न वैसे ब्रेकआउट देता है, तो एक बार आप लोग सेफ हो जाओगे। मतलब पहले से ही तो एक और दो पॉइंट देखने के बाद, मेंटेन करने के बाद थोड़ा बहुत सेफ हो आप लोग। नॉर्मल पीपल से एटलीस्ट 25% एक्स्ट्रा सेफ हो आप लोग कि आप लोगों का पैसा नहीं डूबेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं सर्च फॉर पैटर्न। पैटर्न ढूंढो आप लोग, क्या पता असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ये सॉरी डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, क्या पता असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है स्टॉक। उसके बाद हो गया डिसेंडिंग ट्रायंगल, क्या पता पेनेंट पैटर्न फॉर्म कर रही है, बुलिश पेनेंट पैटर्न, बियरिश पेनेंट पैटर्न, क्या पता फ्लैग पैटर्न फॉर्म कर रही है, हेड एंड शोल्डर फॉर्म कर रही है, कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है, उसके बाद एक ही प्राइस रेंज पे कंसोलिडेट कर रही है। ये सब पैटर्न आप लोग ध्यान में रखना, कंसोलिडेशन का पॉइंट मैं अलग से बताऊंगा। क्या पता ये सब पैटर्न फॉर्म कर रही है, सर्च फॉर पैटर्न्स। पैटर्न्स में आप लोग अगर मास्टर कर जाओ ना तो आप लोगों को एटलीस्ट ये जो 25% चांसेस है नॉर्मल पीपल से बिगिनर से, ये एटलीस्ट 35-40% इंक्रीज हो जाता है। मतलब 25-40% रहता है अगर आप लोगों को पैटर्न समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैं ये वीडियो वैसे ही तो बहुत लंबा हो गया अभी तक ही, लेकिन फिर भी मैं एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ कि कैसे ये वर्क कर गया। एक एग्जांपल देकर हर एक पैटर्न अगर डिस्कस करने बैठो तो एक घंटे मतलब डेढ़ घंटे दो घंटे का भी वीडियो हो सकता है, तो मैं एक छोटा सा पैटर्न डिस्कस कर देता हूँ। तो मान लो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है एक कहीं भी एक स्टॉक में, इसका जो हाई है हाई लो होते जा रहा है, और जो लो है वो एक ही जगह पे है, या तो फिर हायर लोज या तो फिर लोअर हाईज। जो हाई है वो कम होते जा रहा है, मतलब उसका जो लेवल है वो नीचे की तरफ है, और उसका जो लो है वो ऊपर की तरफ है, या तो फिर जो है वही लेवल पे ये सेमी लेवल पे ट्रेड कर रही है। लो सेमी लेवल पे है और जो हाई है वो लगातार नीचे आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पैटर्न को समझो, इनमें कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार सोच लो दिमाग में आंसर, ये जो पैटर्न है कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है या बायर ज़्यादा स्ट्रांग है। मैं आप लोग को इसी वीडियो में आंसर बता दूंगा, अभी भी बताऊंगा। अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, कुछ कॉमन सेंस जनरेट करना चाहते हो, आईक्यू बढ़ाना चाहते हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो एक बार पॉज करके सोचो कि यहाँ पे कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, सेलर्स और बायर्स। तो पॉज करके आप लोगों ने सोच लिया होगा, जिन लोगों ने नहीं सोचा उन लोगों के लिए मैं बता देता हूँ कि उन लोगों को दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ये पैटर्न में कुछ रट्टा मत मारना, ये मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि रट्टा मार दिया कि ये कैंडल ये पैटर्न फॉर्म होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ये पैटर्न फॉर्म होगा तो ऊपर की तरफ जाएगा। ये कभी भी मत करना, बात को गेम को समझो। अगर एक पैटर्न आप लोग समझ जाओगे ना तो हज़ारों पैटर्न सेम टाइप के पैटर्न आप लोग समझ के ट्रेड कर सकते हो। अगर आप लोग रट्टा मारोगे तो कितने पैटर्न रट्टा मारोगे आप लोग कि हाँ हेड एंड शोल्डर में ऊपर जाता है, बुलिश पेनेंट पैटर्न में ये होता है, बियरिश पेनेंट पैटर्न में बुलिश फ्लैग बियरिश फ्लैग, असेंडिंग ट्रायंगल डिसेंडिंग ट्रायंगल, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड नॉर्मल हेड एंड शोल्डर, उसके बाद निकल के आता है डबल बॉटम डबल हाई। कितना पैटर्न आप लोग याद रखोगे, तो एक सीधी सी बात है। और अगर आप लोगों को सब पैटर्न के बारे में जानना है कि कौन सी पैटर्न क्या रिस्पांस देती है, उसके बाद 90% चांसेस में कौन सी पैटर्न क्या रिस्पांस देती है, हाँ चांसेस है कि मान लो कि एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है ऐसे करके कुछ, ये भी ऐसे करके कुछ पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ये मैंने मन से ले लिया, ये 90% टाइम क्या है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है एक पैटर्न। वो ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं देगी, हाँ देगी, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अगर ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट देगी तो मैं 100% टाइम्स ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगी, ये मैं बोल दूँगा। और अगर ये 100% हो जाए तो ये वीडियो बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को कन्फर्मेशन मिल ही गया है कि ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की तरफ ही जाएगा या नीचे की तरफ आएगा, तो मैं अवॉइड करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गया ये जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में मैं बात कर रहा था, सॉरी गाइस, ये आप लोग देख सकते हो डिसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पे कौन ज़्यादा एक्टिव है, बायर्स ऊपर की तरफ ले गए लेकिन सेलर्स का दबाव इतना ज़्यादा है वो
नीचे की तरफ ले आए, तो अभी तक जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल है। तो आ जाते हैं इसमें, बायर फिर से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश किया, लेकिन सेलर्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है। पहले वाला जो लेवल अचीव किया था उससे भी ज़्यादा, मतलब उससे भी नीचे की लेवल से ये खींच लाया नीचे की तरफ, सेलर्स स्ट्रांग होते जा रहा है। बायर्स फिर से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेलर्स अभी भी स्ट्रांग है। पहले वाला जो स्विंग का हाई था वह तक भी नहीं लेके जाने दिया इसे, उसके नीचे से ही नीचे गिरा दिया। फिर से सेम केस, बायर स्ट्रांग है, बायर्स ऊपर लेने जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सेलर्स हद से ज़्यादा स्ट्रांग है। तो थोड़ा बहुत जहाँ से स्टार्ट हुआ था थोड़ा बहुत ऊपर जाके ही नीचे गिर गया। फिर से एट लास्ट क्या होगा, एकदम ऐसे ऐसे फॉर्म होगा, बायर अगर एक पॉइंट नीचे ऊपर ले जा रही है तो सेलर उसके बाद तुरंत बाद ही कुछ ही सेकेंड या मिनट के अंदर, अगर मान लो कि 10 पॉइंट अगर बायर ऊपर लेके जा रही है तो सेलर विद इन मिनट्स ये 10 पॉइंट को नीचे गिरा रही है। विद इन डेज भी हो सकता है, कितने दिन का कैंडल है ये मैं बोल रहा हूँ, कि बायर्स अगर 10 पॉइंट भी ऊपर लेके जा रहा है, सेलर का पावर इतना ज़्यादा है। पहले वाला ये मान लो 50 पॉइंट ऊपर लेके गया, लेकिन सेलर्स का पावर इतना है, बायर कभी कभार स्ट्रांग हो रहा है लेकिन इतना भी पावर नहीं है कि वो सेलर्स को पास कर जाए। अगर सेलर्स को पास कर जाता है तो ही ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो यहाँ पे जैसे कि एज यूजुअल, अगर यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग है तो जाहिर सी बात है कि ब्रेकआउट नीचे की तरफ होगा। डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट 90% ऑफ द टाइम नीचे की तरफ होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इस अकॉर्डिंग टू दिस, अगर एसेंडिंग ट्रायंगल के बारे में बात करें तो एसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट हमेशा ऊपर की तरफ होता है, बिकॉज द बायर्स आर इन स्ट्रांग पोजिशन। बायर्स के पास ज़्यादा मोमेंटम रहता है और बायर्स स्ट्रांग होता है इन द एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। हाँ, ये बात भी है कि बहुत बार ये जो डिसेंडिंग ट्रायंगल है ऐसे कुछ फॉर्म करके नीचे गया, उसके बाद फिर से एक रिटेस्ट लेने के चक्कर में सीधा ऊपर गया। ये बोलता है अगर जैसे ऊपर की तरफ भी फेक ब्रेकआउट होता है, नीचे की तरफ भी फेक ब्रेकडाउंस होता है, नीचे की तरफ भी फेक ब्रेकडाउंस होता है। हाँ, ये आप लोगों को लगा कि ये बहुत नीचे जाएगा, नहीं गया, एक बार मतलब थोड़ी सी ऊपर नीचे आके फिर से ऊपर की तरफ निकल लिया स्टॉक, ये भी होता है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा कि इसमें कैसे ट्रेड करना है, पहले इसके बारे में ध्यान दो। तो पैटर्न को समझो, पैटर्न में जो होता है वही पे ध्यान दो आप लोग, और ये नहीं कि पैटर्न में इन्वेस्ट किया उसके बाद आंखें बंद करके बैठ गए दो या तीन दिन के लिए, वो नहीं करना है। हमेशा कीप एन आई फॉर द पुलबैक, पुलबैक हो सकता है, कभी भी हो सकता है, इसीलिए हर समय इसे मॉनिटर करते रहो कि अगर ज़रा सा भी कुछ डाउट हुआ तो पैसा निकल सकते हो, एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, या तो फिर थोड़े बहुत लॉसेस के साथ आप लोग एग्जिट कर सकते हो, बड़े लॉस होने से बच सकते हो आप लोग। ये हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक छोटा सा क्लू है, ये तो थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट रहेगा वह मतलब इतना बड़ा जो पॉइंट है वो लास्ट बड़ा पॉइंट रहेगा। जो फिफ्थ पॉइंट है वो पॉइंट में नहीं है, वो एक एडिशनल टिप्स है, वो मेरी तरह से आप लोगों को दे रहा हूँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, वो एडिशनल टिप है। तो लास्ट पॉइंट इसके बाद वाला ही है, अब मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ वही लास्ट पॉइंट रहेगा इस वीडियो का। जो मैंने एडिशनल टिप्स बताने वाला हूँ वो कोई रूल नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसा ही होता है स्टॉक में। सॉरी गाइस, तो ये हो गया चार नंबर, डोंट चेज बिग बुलिश कैंडल। एक स्टॉक मान लो एक रेंज में ट्रेड कर रही है, सॉरी कैंडल्स अगर ख़राब बने तो, उसके बाद एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया, फिर से ग्रीन कैंडल फॉर्म किया और लगातार ये ऊपर जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को पेनी स्टॉक में देखने को मिलेगा अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट। आप पेनी स्टॉक में ब्रेकआउट का कुछ सीन ही नहीं बनता है, क्योंकि वो मत देखो गाइस, ब्रेकआउट का जो सीन है वो पेनी स्टॉक में मत देखो, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है, ये सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक्स के लिए है, ब्लू चिप और सिर्फ और सिर्फ मिड टर्म स्मॉल टर्म स्टॉक के लिए, जहाँ पे ऑपरेटर का गेम चलता है वहीं पे ये जो लॉजिक है ये सब नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि वो वहाँ पे ऑपरेटर्स का गेम चलता है। वहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है तो अपर सर्किट के बाद अपर सर्किट लगता है, तो अच्छा खासा पैसा आप लोग बना सकते हो। तो मेन बात पे आते हैं, ग्रीन कैंडल के बारे में तो बता दिया,
हाँ, ये जो ग्रीन कैंडल्स होता है, यहाँ पे क्यों आप लोग को ट्रेड नहीं करना चाहिए, मैं बहुत लोग, हाँ आप लोग 10 में से 2 या 3 स्टॉक में एक अच्छा खासा बड़े बड़े ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, तब तो आप लोग पैसे बना लोगे, लेकिन जब फंसोगे उतने ही बूढ़े फंसोगे, क्योंकि इसका पीछे का रीज़न भी कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, फ्री कोर्सेज में, मतलब फ्री यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा, सब इसके लिए पैसे चार्ज करते हैं, मैं आप लोग को फ्री में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये लॉजिक सुनने के बाद आप लोग भी सोचोगे हाँ ऐसे तो हमने कभी सोचा ही नहीं, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसके लिए लोग बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स होते हैं, बड़े बड़े जो सीएस होते हैं, इसके लिए लोग लाखों रुपया चार्ज करते हैं, ये सिर्फ कुछ लॉजिक बताने के लिए इसमें ये लॉजिक शामिल है। तो एक बार इस पर्सपेक्टिव से आप लोग सोचो, एक चीज़ लगातार ऊपर जा रही है, कोई भी सपोर्ट नहीं, लेकिन नॉर्मल आप लोग अगर एक स्टॉक में हम लोग ट्रेड करते हैं तो हम लोग पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया निकालते हैं उस स्टॉक का। अगर लंबा एक ट्रेंड चले, स्ट्रांग एक ट्रेंड ऊपर की तरफ जाते रहे, तो अगर नीचे भी गिरेगा तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा उसे, यहाँ पे कोई सपोर्ट उसे नहीं मिलेगा, तो अगर गिरता भी है इसके हिसाब से गिरेगा, उतना ही नीचे गिरेगा। अगर इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये तो हो गया, ये आप लोगों को ऐसे समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके अपोजिट में जो पॉइंट है, इसके फॉर में जो पॉइंट है, अगेंस्ट में जो पॉइंट है, वो अगर बताओ तो आप लोगों को समझ में आएगा हाँ ये बात है। तो मैंने बोला कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया हम लोग निकलते हैं कोई भी स्टॉक में एंटर करने से पहले, स्टॉक का क्या सपोर्ट एरिया निकल के आता है, क्या रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है। तो ये तो हो गया, यहाँ पे एंटर नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, मैं जो बेस्ट पैटर्न है उसके बाद में बताऊँगा। तो बेस्ट पैटर्न है ना, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाला पैटर्न। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ठीक है बाद में मैं रेजिस्टेंस, क्योंकि एक पैटर्न जब ट्रेड करके चला जाता है तब भी हम लोग रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाते हैं, उसके पहले हम लोग नहीं बना सकते, कि जिस रेंज पे कभी ट्रेड ही नहीं किया है उसी रेंज पे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बना सकते। तो बाद में मैं दिखाता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ऊपर गया स्टॉक, हाँ यहाँ पर भी ऊपर गया था, लेकिन इसमें डिफरेंस है, एक बार रिट्रेस्ट लिया उसके बाद ऊपर गया, फिर से एक रिट्रेस्ट उसके बाद ऊपर, उसके बाद रिट्रेस्ट उसके बाद ऊपर। ये जो पैटर्न है इसमें ट्रेड करने का एक ही सेफ बात है, अगर एक बार इसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया देखोगे ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, इसके लिए रेजिस्टेंस, इसके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा इसे, ये वाला स्टॉक। तो अगर जैसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हो, एक सेकेंड मैं ट्रेडिंग से दिखाता हूँ, लोग ये वाला देख सकते हो कि एकदम ऊपर चला गया विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस, विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस और विदाउट टेकिंग एनी सपोर्ट। तो जब नीचे गिरेगा, तो जब नीचे गिरने के टाइम पे भी यहाँ पे कोई सपोर्ट ये नहीं मिलेगा, इसे कोई भी सपोर्ट इसे नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ऊपर गया तब तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा स्टॉक को। लेकिन यहाँ पर नहीं होता है ऐसा, जब ऊपर गया वो रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर से नीचे के लेवल से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया डबल मोमेंटम के साथ, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया उसके बाद सपोर्ट लिया। तो जब नीचे भी गिरेगा, एक बार देख लो आप लोग, जब ऊपर जाता है तो जाता है, लेकिन जब नीचे भी गिरता है ना, उसका जो पहले वाला रेजिस्टेंस एरिया है उतना तक ही गिरता है। तो आप लोग अगर कहीं पर भी यहाँ पर बाइक करके चल रहे होते हैं, या तो फिर यहाँ पर भी बाइक करके चल रहे होते हैं, तो आप लोग को एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ ये स्टॉक ऊपर जाएगा, अभी सपोर्ट ले रहा है, रिट्रेसमेंट दे रही है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। तो बेस्ट स्टॉक, बेस्ट ब्रेकआउट में एंट्री करने का पॉइंट कहाँ पर रहता है, तो जो रिट्रेस का लेवल होता है, रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, वहीं पर आप लोगों का बेस्ट एंट्री पॉइंट निकल के आता है स्टॉक में। रिट्रेसमेंट के लेवल पर आप लोगों का बेस्ट एंट्री पॉइंट निकल के आता है स्टॉक में, कहीं पर भी। तो आप लोग अगर जब इनिशियली देखोगे ना इस कैंडल, क्योंकि मैं बोल कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि रिट्रेसमेंट इज़ द बेस्ट प्लेस टू एंटर इन द स्टॉक, वो मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ, एक सेकेंड मैं पूरा इरेज कर देता हूँ, ये भी इरेज कर देता हूँ। जब आप लोग इनिशियली देखोगे तो आप लोगों को एक ग्रीन कैंडल ही दिखेगा, जैसे कि ये वाला स्टॉक में दिख रहा था। मान लो कि अब एक दिन हुआ, ये एक दिन का, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ये एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, ये हो गया। तो जब आप एक दिन का देखोगे ऊपर गया, यहाँ पर भी सेम था, कैसे आप लोग डिस्टिंग्विश करोगे, दो दिन का, दो दिन का भी सेम था, सेम हो गया, दो दिन का ऊपर गया, तीन दिन के वक्त नीचे गिरेगा,
तीन दिन के वक्त भी ऊपर गया, तो वेट करना है फॉर द रिट्रेस्ट। अगर रिट्रेसमेंट वो स्टॉक नहीं लेती है तो अराउंड 55-75% चांसेस रह जाती है कि वो स्टॉक पूरा का पूरा खोखला है, खोखला ब्रेकआउट है, या तो फिर वो फेक आउट है। अगर रिट्रेसमेंट के टाइम अगर एंटर करोगे तो आप लोग एंट्री की हो सपोर्ट की एरिया पे। अगर स्टॉक नीचे भी गिरती है तो कहाँ पे आप लोग एंट्री की हो, एंट्री की हो सपोर्ट की एरिया पे। अगर वो स्टॉक नीचे भी गिरती है तो उसके पहले वाला जहाँ से रेजिस्टेंस खा के नीचे गिरा है वो ज़रूर वहाँ से ही ज़रूर सपोर्ट एरिया मतलब सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। ये जो सपोर्ट एरिया है हाँ यहाँ तक आ सकता है, लेकिन आप लोगों को लॉस नहीं होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट भी आप लोग आराम से निकल सकते हो, लॉस नहीं होगा आप लोगों का। ये एक पॉजिटिव बात है कि रिट्रेसमेंट के बाद एंट्री करने का, और सही बड़ी बात कीप एन आई फॉर पुल बैक। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। अब जो मेरा फिफ्थ पॉइंट रहने वाला है कि ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ, और एक बात जब ये स्ट्रॉन्ग ये फॉर्म हो रहा है तब एक बार वॉल्यूम में देखना, वॉल्यूम में अगर बिल्डअप देखने को मिले। यही नहीं कि जिस कैंडल में सिर्फ और सिर्फ जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है, एक सेकंड मैं इरेज करके आप लोगों को एक बार समझाता हूँ। एक स्टॉक इसी रीजन में ट्रेड कर रहा है, मान लो यहाँ पे कैंडल्स है, तो मैं लास्ट के कुछ कैंडल्स दिखा रहा हूँ। हाँ ये हो गया, इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे, इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे, इस कैंडल का वॉल्यूम यहाँ पे, तो मान लो इसका वॉल्यूम ऐसे निकल के आ रहा है, जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसका ही वॉल्यूम ऐसा है, उसके बाद का वॉल्यूम यहाँ तक कुछ है। तो ये जो लेवल है बिल्कुल भी फंसना नहीं है। जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसका अगर मतलब इसका भी अगर ये होता है, मान लो कि ये वाला कैंडल ब्रेकआउट है, जो पैटर्न है वो यहाँ तक आता है, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये हो गया वॉल्यूम का चार्ट। नीचे जो ब्रेकआउट वाला कैंडल है उसका ही अगर वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ हाई रहता है तो वो समझ जाओ ऑपरेटर का गेम है, या तो फिर कोई बड़े प्लेयर एंट्री किया है उसकी वजह से ये वॉल्यूम आया, या तो फिर फेक बिल्डअप दिया है इसने। तो ओरिजिनल ब्रेकआउट कैसे डिटेक्ट करें, ओरिजिनल ब्रेकआउट डिटेक्ट करने के लिए एक बार देखोगे यहाँ पर लास्ट कैंडल से ही ड्रॉ करूँगा मैं। ये हो गया ऊपर 1, 2, 3, 4, ये वाला कैंडल के बाद छोड़ दो क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्विंग आया है, कोई सा भी स्विंग हो सकता है। लेकिन ये वाला जो कैंडल है अचानक से वॉल्यूम बिल्डअप होने लगेगा, एटलीस्ट 2 या 3 कैंडल डेली चार्ट में। अगर आप लोगों को जिस चार्ट में आप लोगों को एटलीस्ट आप लोगों को 10 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट ढूंढना है, जितने बड़े कैंडल्स में आप लोग देखोगे मतलब एक दिन से जितने नीचे की तरफ आप लोग देखोगे उतना ही वीक होता जाएगा उसका स्ट्रेंथ। अगर आप लोगों का बेस्ट रहेगा, अगर आप लोग 4 आवर्स के चार्ट में देखोगे ब्रेकआउट तो बेस्ट रहेगा, उसके बाद आता है 1 आवर, उसके बाद आता है 30 मिनट्स, उसके बाद 15 मिनट्स, उसके बाद 10 मिनट्स, उसके बाद 5 मिनट्स। तो गाइस 10 मिनट्स के नीचे मत जाना क्योंकि उतना मतलब डोंट फॉल फॉर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट्स, डोंट फॉल। एटलीस्ट मान लो कि आप लोग 10 मिनट्स का कैंडल देख रहे हो तो जहाँ पे वो ब्रेकआउट दे रहा है उसके पहले का 4 कैंडल देखो, उसके बाद का तो आप लोग देखोगे। अगर पहले का चार कैंडल में वॉल्यूम बिल्डअप दिख रहा है आप लोगों को, तो ही आप लोग एंटर करना है, अच्छा खासा ब्रेकआउट का चांसेस मिल जाता है। तो ये चारों पॉइंट सुनने के बाद मतलब वॉल्यूम भी फॉलो करना, यहाँ पे एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या होगा वो। ये जो वॉल्यूम के बारे में बात कर रहा था ये तो हो गया ब्रेकआउट वाला कैंडल का वॉल्यूम, ये हो गया उसके बाद का वॉल्यूम, और एवरेज वॉल्यूम निकल कर रहा था यहाँ पे। अगर इसके पहले का जो वॉल्यूम मतलब यहाँ से जो स्विंग हुआ इसको छोड़कर, बाकी अगर इसके पहले का जो 4 कैंडल उसका भी वॉल्यूम एवरेज जो कैंडल वॉल्यूम है उससे ऊपर आता है, काफ़ी ऊपर आता है ब्रेकआउट के लेवल पे, तो ही एंटर करना। तो हाँ वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है अभी ऊपर जा रहा है तो कुछ देर तक रहेगा, या तो फिर अच्छा खासा प्रॉपर ब्रेकआउट दे सकता है, इसका एक कन्फर्मेशन मिल जाता है वॉल्यूम देखकर ही। तो ये हो गया मेन जो 4 पॉइंट्स है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं एक जो पैटर्न्स है वो फॉर्म करूँ, या तो फिर पैटर्न्स के ऊपर वीडियो बनाओ कि 90% केसेस में कौन सी पैटर्न किस तरह ब्रेकआउट देती है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या तो फिर DM में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा सेपरेट वीडियो। एक वीडियो 5-5 मिनट का रहेगा कि ये पैटर्न फॉर्म होता है, तो इसीलिए इसके ये मतलब एकदम रीजन देके बताऊंगा कि ये नहीं कि एक चार्ट पैटर्न बता दिए कि अगर एसेंडिंग ट्रायंगल है तो ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो नीचे की तरफ, ये नहीं। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या मेकानिज्म है, कैसे वर्क करती है, सब कुछ मैं डिटेल में बताऊंगा, 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा,
कोई फिक्र करने की इतना ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो लंबा हो रहा है, मुझे पता ही था क्योंकि लंबा होना ही चाहिए था। ये वीडियो एकदम हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, सब पॉइंट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और एक बात ध्यान रखना, कोई भी मान लो कि आपने कोई स्टॉक अभी खुला है, रैंडम खुला है, आप लोगों को कहीं से उसका नेम पता चला, ये जो फोर्थ पॉइंट के अंदर ही आता है क्योंकि ये वॉल्यूम और जो उसके बाद का जो मतलब पैटर्न का पॉइंट है इसी में आता है। वो मान लो कि अपने अभी खुला है स्टॉक में, देख रहे हो कि अच्छा खासा वॉल्यूम बिल्डअप के साथ ऊपर जा रहा है, तो एक बार स्टॉक को स्ट्रेच आउट करके देख लेना कि वो कोई पैटर्न का हिस्सा तो नहीं है। ये स्विंग का जो ये नीचे की तरफ सपोर्ट लेके जो ऊपर की तरफ जा रहा है स्विंग, उसे ही आप लोग ब्रेकआउट समझ के एंटर मत किए मत करना। ये गलती मत करना कि हाँ अभी खुला है स्टॉक, अभी तो मुझे सिर्फ ये वाला पोर्शन ही दिख रहा है, तो हाँ ब्रेकआउट हो गया, तो एक बार स्ट्रेच आउट करके देख लेना है कि कहीं वो एक पैटर्न का हिस्सा तो नहीं है। क्या पता आपने जिसको ब्रेकआउट समझा वही आपको लॉस देके चला गया, वो डिसेंडिंग ट्रायंगल का कोई पार्ट होगा और आपको लॉस देके बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में लॉस देके आपको चला गया। ये हमेशा ध्यान में रखना है, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना है तो आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए, किसी के बात में आंखें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और जो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, इसके बाद आज कोई स्टॉक का वीडियो नहीं आने वाला है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। आप लोग ये देखो, ये हज़म करो, उसके बाद कल से स्टॉक का वीडियो आएगा। तो पांच वाला मतलब जो फिफ्थ पॉइंट है, या तो फिर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। ये कभी कभार हो भी नहीं मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कभी कभार मैच कर सकती है, कभी नहीं भी कर सकती है। तो जब मार्केट में जितने सारे फेक आउट्स हैं वो यूजुअली होता है जो मार्केट का फर्स्ट आवर रहता है, जो कि निकल जाता है 9 से ऑलमोस्ट 12:30 तक। अगर 9 AM से 12:30 PM के बीच में कोई भी ब्रेकआउट होता है तो मोस्ट ऑफ द चांसेस 55-65% चांसेस रहता है कि वो मतलब बीच में ही पकड़ लेते हैं, 60% चांसेस रहता है कि वो एक फेकआउट है। और जबकि बात कर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट में यूजुअली मार्केट सेटल डाउन होने के बाद, काम डाउन होने के बाद 12:30 को 1:30 से 3:30 के बीच में एंटर करते हैं मोस्ट ऑफ द बड़े प्लेयर्स, जो बड़े बड़े ब्रेकआउट्स होता है। तो जो मोस्ट ऑफ द इफेक्टिव ब्रेकआउट्स रहने वाला है वो 1:30 से 3:30 बजे के बीच में ही रहने वाला है, ये हमेशा याद रखना। 100% ये नहीं होगा, लेकिन सॉरी गाइस, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि 1:30 से 3:30 के बीच में ब्रेकआउट होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने के लिए, मान लो पूरा दिन कुछ भी नहीं हुआ और जब भी 3 बजा मतलब 3 बजे के बाद स्टॉक में एक अलग ही तेज़ी, पूरा दिन का जो अगर चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें, पूरा दिन का ये हो गया, पूरा दिन ऐसे 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 ओपनिंग प्राइस ये रहा, फिर मान लो कि हाँ ये ओपनिंग प्राइस ऐसे 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 गैप अप ओपनिंग दिखाया, या तो फिर एक नॉर्मल ओपनिंग ही दिखाया, नीचे से ओपनिंग दिखाया, गैप डाउन ओपनिंग, उसके बाद कंसोलिडेट किया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया हार्ड वीट की तरफ, और मान लो कि सडनली 2:45 या तो फिर पास्ट 3 PM मतलब 3 PM के बाद से अगर स्टॉक में अलग ही कुछ देखने को मिले ना, समझ जाना कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये ट्रिक्स आप लोगों को कोई भी नहीं बताएगा फ्री कोर्सेस में, मैं बता रहा हूँ तो सीख लो। 2:45 से 3:30 बजे के बीच में अगर कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिला है, सेम एज अगर नीचे की तरफ अचानक से जाने लगा, तो समझ जाना कुछ लोचा होने वाला है स्टॉक में, कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसीलिए जो 2:45 से 3 के बीच में यह हुआ है, कुछ बड़ा होने वाला है, न्यूज़ अभी नहीं आई है लेकिन फ्यूचर में कुछ बड़ा होने वाला है, 1 या 2 दिन के अंदर आपको न्यूज़ आ जाएगी, तो थोड़ा सतर्क रहना। तो ये तो हो गया मेरा जो टिप्स था, अब एक बोनस बताने वाला हूँ आप लोगों को, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर दैट। जो बोनस मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो ध्यान रखना कि फेक, ये तो हो गया जैसे आप लोगों को ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को ब्रेकडाउन भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। फेक ब्रेकडाउन भी आइडेंटिफाई अगर करोगे, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर बोलते हैं बाई इन डिप्स, वो स्ट्रेटेजी अप्लाई होता है। तो वो स्ट्रेटेजी क्या निकल के आता है, मान लो एक स्टॉक डिसेंडिंग ट्रायंगल की बात कर ले, वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रही है,
अगर यहाँ पे कुछ भी वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुआ है और थोड़ी सी भी नीचे की तरफ गई है और एक लगातार एक लंबा लंबा रेड कैंडल फॉर्म कर रही है, तो आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि वो एक फेक आउट है, फेक डाउन है, नीचे की तरफ है, वो एक फेक डाउन रहने वाला है। तो जितना नीचे मिले उतना बाई कर लेना है, क्योंकि नियर फ्यूचर में वो एक मतलब ब्रेक डाउन में भी आप लोग पैसा कमाओगे, ये स्ट्रेटेजी है इसका। ब्रेक डाउन में भी आप लोग पैसा कमाओगे आराम से। जो वीडियो लास्ट तक देखे उनको वो तो, अगर कोई ये वीडियो लास्ट तक देख रहा है तो एटलीस्ट जो नॉर्मल बिगिनर्स हैं उनसे मैं गारंटी लेके बोलता हूँ 70% अच्छा परफॉर्म करेगा ये ब्रेकआउट और फेकआउट के चक्कर में। 70% अच्छा परफॉर्म करेगा और वो अच्छा पैसा भी बना लेगा, क्योंकि जो लोग जब एक स्टॉक नीचे गिरता है ना तो बहुत लोग उस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट से डिलीट कर देता है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो क्या करता है, बाई कर लेते हैं आइडेंटिफाइंग इफ़ इट्स अ फेक आउट, नीचे की तरफ अगर फेक आउट हुआ तो, फेक ब्रेकआउट अगर नीचे की तरफ फेक ब्रेकआउट होता है और आप लोगों को पता चल जाता है तो आराम से बाई करके चल सकते हो, क्योंकि तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल ही करेंगे, तो आप लोगों का जो बाइंग पॉइंट है वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों का जो बाई लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा, उसी प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को मिल जाएगा स्टॉक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स एक्टिव नहीं रहता है उसी टाइम पर, क्योंकि वही आप लोगों के लिए सही मौका रहता है एंटर करने के लिए। तो ये हो गया सब कुछ, टोटल गाइड हो गया कैसे आप लोगों को फेक आउट और ब्रेकआउट के बीच में डिफरेंशिएट करना है। और जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उन लोगों के लिए थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। अगर आप सॉरी गाइस फॉर दैट, अगर आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी जानना है ऐसे ही कुछ और पैटर्न्स के ऊपर, अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो गाइस प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसके ऊपर पक्का वीडियो बना दूंगा। हर वीकेंड को मैं ऐसे ऐसे वीडियो बनाते रहूंगा। अगर आप लोगों को कुछ लगता है तो मैं सिर्फ वीकेंड को ही बनाऊंगा, क्योंकि वीकेंड पे ही मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम रहता है कि सब पॉइंट को इकट्ठे करके बनाऊँ वीडियो। या तो फिर जो नॉर्मल डेज होता है वो तो स्टॉक के ऊपर ही आएगा, जो संडे या सैटरडे होता है उसी दिन ये सब वीडियो आएगा। बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी परेशानी हुआ समझने में तो कमेंट सेक्शन में बताना, या तो फिर पर्सनली DM कर सकते हो मुझे IG पे, IG का लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहाँ पे। बाय गाइस, स्टे सेफ गाइस, बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो।